नमस्कार, मैं हूं स्नेहा शर्मा और आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल चिनाब टीवी के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज डोडा में उपायुक्त डीसी डोडा विकास शर्मा ने आज जिला रोजगार एवं परमाश अकरमाबाद डोडा में मुमकिन योजना के तहत 16 बेरोजगार युवा लाभार्थियों के बीच वाहन वितरित किए। उक्त अवसर पर एडी एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर सुशांत महाजन, क्लस्टर हेड जेके बैंक सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो देखिए प्रवेश भट्ट की रिपोर्ट। गुलाम रसूल जी, क्या काम करते हैं? मजदूरी जमींदारी करते हैं। आज आपको गाड़ी मिली यहाँ पे जी, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो हुई है, बहरहाल हम बेरोजगार हैं। अगर हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है यहाँ डोडा के, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये अवेयरनेस दी हमको, और हमने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ऑनलाइन करवाए और आज हमें गाड़ियाँ भी मिल गई, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो हम बेरोज़गार थे, हम कोई अपना रोज़गार हासिल कर सकें। मुझे बताओ इस गाड़ी पर जो कर्जा है, आपने कर्जा जो लिया है, किस तरीके से आप उसको ख़त्म करेंगे? देखिए जी, कर्ज़ा जो है बैंक का जो लोन हमने उठाया है वो कर्ज़ा ही है। बहरहाल हमने इस जो गाड़ी निकाली है, इससे मतलब जो काम वगैरह करेंगे उससे जो पैसा आएगा, हम तो सबसे पहले जो है बैंक का मुकाने की ही कोशिश करेंगे। मैं संजय, जे एंड के बैंक जोनल ऑफिस जम्मू नॉर्थ से हूँ। सर, आज जो मुमकिन स्कीम्स के तहत यहाँ पे गाड़ियाँ बांटी, उसके हवाले से बताएं कि बैंक इसमें जो है, देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले जब बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास लिस्ट भेजते हैं, सबसे पहले इनका सिबिल स्कोर निकालने के लिए वो हमारा बैंक ही निकालता है, फिर ये देखते हैं उसमें से कौन से एलिजिबल हैं। उसमें से जो गवर्नमेंट है वो 10% मार्जिन देती है और 10% जो है डीलर देता है। तो बेनिफिशरी ने अपना मार्जिन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है और 80% जो है लोन वो हमारा बैंक देता है। ये तो एक मुमकिन स्कीम रही। इससे पहले भी जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, रूरल एरियाज़ में जो है वो जेके आरईजीपी स्कीम है, विमेंस के लिए जो स्कीम है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो ये कुछ ग्रुप्स मिलके अपना उद्योग स्टार्ट करते हैं उम्मीद के तहत। उसके बाद रहा किसानों को लोन है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाता है, जितनी भी लोन स्कीम्स हैं वो हमारा बैंक ही देता है। उसके बाद रहा नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड यूथ बट दोज हु आर एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, किसी ने कंज्यूमर लोन लेना है, कार लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जिन्होंने अपना यूनिट स्टार्ट करना, अपना स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना है, उसके लिए भी बैंक हमारा जे एंड के बैंक सबसे पहले है इन जे एंड के यूटी। और इसी लक्ष्य में जो लेफ्टिनेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स जो है पॉलिसी मेकर्स जो है वो बनाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पॉन्सर करते हैं हमारे बैंक में, हमारा बैंक उसको फिनांस करता है। देखिए आज मुमकिन स्कीम जो हमारे पास है मिशन यूथ के तहत, हमने उसके तहत 16 गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की। पिछली दफ़ा हम लोगों ने 25 गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, इस दफ़ा हम लोगों ने 16 गाड़ियाँ तकसीम की हैं। जो यहाँ पे जो लोग आए हुए थे हम लोगों के पास, जिन लोगों को ज़रूरत थी इस गाड़ी की, मतलब लोन के हवाले से कि हम गाड़ी लेंगे, हमने उनको स्कीम के तहत गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाई हैं आज। और ये सब लोग जो हमारे बेनिफिशरीज डीलर सब यहाँ पे आए थे, डीसी साहब भी आए थे, वो गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं। सर, उसके अलावा देखा जाता है कि पिछली बार जब आपने गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की तो एक सवाल खड़ा हो गया कि हमें सिर्फ यही क्यों, हमें 7 सीटर्स क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि 7 सीटर्स में उनको फ़ायदा होता है, टाउन एरियाज में फ़ायदा होता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए जो आपकी 7 सीटर्स होती हैं उसका एक इशू ये रहता है, सबसे बड़ा जो इशू रहता है कि जो हमारा मिशन यूथ का सेकंड फेज़ हमारा हम लोगों का आ रहा है, हमने मिशन यूथ के सेकंड फेज़ के अंदर हम लोगों ने रिकमेंडेशन ये भेजनी है कि लोगों की डिमांड इस चीज़ की आ रही है, उसके तहत फिर जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ होंगी वो डिसाइड करेंगी कि मिशन यूथ फेज़ टू के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है, हो सकता हो जाए। सर, आज टोटल कितनी गाड़ियाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट की? हमने आज टोटल की हैं 16 गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट। 16 गाड़ियाँ जी। सर, उसमें और कौन कौन सी स्कीम चल रही है आपके डिपार्टमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेकर? देखिए बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि PMEGP हो जाएगी, उसके अलावा REGP होती है, KVIB के अंडर आती है, हम लोग SC ST
जो ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत भी हम लोग लोन्स अवेल लोगों को लोन करवाते हैं, उसके अलावा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तेजस्विनी है, मुमकिन है अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो मुझे लगता है कि तेजस्विनी जो स्कीम है उसके मुतालिक भी हम लोग सैंक्शन लेटर्स वगैरह औरतों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। ये हमारी एक स्कीम है मुमकिन मिशन यूथ के तहत, और एक एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इससे पहले भी हमने व्हीकल्स जो हैं उसकी यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं, और इस स्कीम में ऐसा है कि जो व्हीकल्स हैं आपके खासकर लोड कैरियर्स वो दिए जाते हैं, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 10% का असिस्टेंस है जो आपकी कॉस्ट आती है व्हीकल की, और दूसरा जो डीलर है वो अपनी तरफ से उसकी कंट्रीब्यूशन रहती है जो उसकी कंसेशन देते हैं वो 10% की है, और बाकी बैंक की तरफ से लोन मिलता है। तो वो 7 ईयर्स का जो पीरियड है नॉर्मली इन्होंने अवेल किया है उसमें इन दोनों की अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्पेसिफिकली इसी को कैटर कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। 25 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, 16 आज मिला के 41 हो गई, और आगे आगे भी हम आगे इसको बढ़ाएंगे। सर जब पिछली बार डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसके बाद एक सवाल कुछ लोगों ने किया कि इसमें हमें 7 सीटर नहीं मिल सकती है जिसको हम टॉन्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकें, जिससे हमें काफ़ी इनकम होगी और हम इस गाड़ी को जो भी कर्ज़ा हमारे ऊपर होता है उसको हम फ्री कर सकते हैं। इसमें आपकी एक तो क्योंकि इसमें सब्सिडी जो है वो 10% है, और यहाँ 80,000 जैसा उन्होंने मुझे बताया उसका है, तो उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा की व्हीकल की होगी, 9 लाख तक की व्हीकल्स की कॉस्ट है उस तक ही महदूद किया गया है। जैसे ही स्कीम आगे बढ़ेगी तो इसमें और कोई इनकॉर्पोरेशन जो और कोई चीज़ें होंगी तो वो आगे गौर किया जा सकता है उस पर। सर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेकर आज कौन कौन सी स्कीमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेकर इस समय काफ़ी फोकस है उस पर, और उस पर काफ़ी सक्सेस भी अचीव हुई है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर के आप फिगर्स देखेंगे और आज के फिगर देखेंगे कई गुना ज़्यादा इस समय असिस्टेंस हो चुका है। हमारी अवेयरनेस भी लगातार बढ़ रही है, आपके थ्रू हो डिपार्टमेंट के थ्रू हो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, DIC है, ST OBC कॉरपोरेशन है, आपके तमाम बैंक से लिंक्ड हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं। उसके तहत हमने एक सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ है हैंड होल्डिंग के लिए पब्लिक के साथ, उसमें हमने 4-5 पंचायत के ऊपर एक मेंटोर भी लगाया है, सीनियर ऑफिसर है, गेस्टेड ऑफिसर है, ताकि उस एरिया के जो लोग हैं उनके लिए एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, बैंकिंग की कोई दिक्कत है या स्कीम के बारे में बात करनी है या उनको किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना है, उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी किया गया है। तो हमारी कोशिश है जितने बेरोज़गार लोग हैं उनको मोटिवेट करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में, और उनको अवेयर करवाएं ये स्कीम किस तरह की है, बैंक्स वाले किस तरह का असिस्टेंस दे रहे हैं, किस तरह का इनको फ़ायदा होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में क्या गेन हो सकता है। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी, उम्मीद है आने वाले दिनों में और केसेस इस तरह के हम कवर करेंगे। सर इसके अलावा देखा जाता है कि जितनी भी आप गाड़ी यहाँ पे देते हैं उतनी हमारे पास जगह नहीं होती, खास करके मैं सिटी की बात करूँगा, मैं ना लोड कैरिज के लिए जगह है, हमेशा जामिंग रहती है, तो इतनी सब गाड़ी यहाँ पर आती है। तो देखिए ये बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक की एक सेंसिटिविटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को अगर गाड़ियाँ लेते हैं तो घर के अंदर लोगों की जगह भी होती है, लेकिन माइंडसेट ऐसा है कि घर की जगह बाहर खड़ी करते हैं। वो चीज़ छोड़ दीजिए कि जिसके घर में जगह नहीं है तो सड़कों के ऊपर उसकी पार्क करने की ऐसी नौबत आ जाती है, लेकिन बड़ी सारी टेंडेंसी ये है कि हम 2 कदम आगे चल के पार्किंग स्पेसेस है, कहीं पार्किंग लॉट्स, प्राइवेट पार्किंग लॉट्स हमने बनाए हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते। उससे क्या होता है, फिर हम एक फोर्सफुली एक मुहिम करनी पड़ती है। तो ये कोशिश करेंगे सारी चीज़ें ये ना हो, क्योंकि ये जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस गति से नहीं बढ़ रहा। तो कोशिश करेंगे जितने स्पेसेस हमारे चाहे छोटे हों बड़े हों पार्किंग स्पेसेस बने और लोग उसको यूटिलाइज करें। आज जिला 8 राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने में अन्य सहयोगी जिलों में शामिल हो गया है, जिससे सार्वजनिक वितरण तंत्र में सुधार होगा और विभिन्न प्रमाण पत्रों को परेशानी मुक्त तरीके से प्राप्त किया जा सकेगा। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त ने लोगों से सर्विसेज ऑनलाइन गवर्नमेंट इन जम्मू पर स्वयं पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करके सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने का आग्रह किया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। रामबन ने अपने बाकी कलीग्स को ज्वाइन किया है इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, स्पेशली सर्टिफिकेट्स थ्रू दी ऑनलाइन मोड, थ्रू दी सर्विस प्लस पोर्टल जो हमारा पोर्टल है, उसमें हमारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो ऑनलाइन मोड में सेल्फ रजिस्टर करके बहुत सारी सर्विसेज जो है वो और सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़।
इसमें मैरिट सर्टिफिकेट है, ST OBC सर्टिफिकेट है, RBA सर्टिफिकेट है, उसके अलावा डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है अब हमने लोगों के लिए ऑनलाइन कर दी हैं। इसके अलावा हमारा ऑलरेडी एक ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल है जिस पे अगर लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो उस पे जाके वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल सेक्टर बेनिफिट्स की लिए भी हमने एक एप्लीकेशन जो है वो बहुत पहले लॉन्च की है। हमें उम्मीद है कि लोग उस एप्लीकेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बिंग की या सिस्टम्स की, ट्रबल शूटिंग की, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है तो उसमें मैन पावर अलॉन्ग विद देयर नंबर्स हमने दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इन सर्विसेज के ऑनलाइन होने की वजह से रियल टाइम डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस होगा, इन लोगों को दफ्तरों में नहीं आना पड़ेगा और थ्रू ऑनलाइन मोड इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड मैनर ये अपनी इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। दो दिवसीय आधिकारिक टाइकंडो चैंपियनशिप जिला डोडा में संपन्न हुई। श्री बुरहानुद्दीन खान संचिव DDTA की अध्यक्षता में जिला डोडा टाइकंडो एसोसिएशन ने दो दिवसीय आधिकारिक जिला टाइकंडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से J&K टाइकंडो एसोसिएशन के तत्वावधान में सामुदायिक हॉल डोडा में 11 से 11 बजे तक किया। तो देखिए अनिल कोतवाल की रिपोर्ट। बोला था कि वो टाइकॉन्डो जाती है तो उसके बाद फिर मैंने भी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगने लगा टाइकॉन्डो। तो उस पहले पिछले साल भी हुआ था डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, इस बार भी किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गेम है, सब लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि फेस कर पाएँ ऑड सिचुएशंस और हम इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेल्फ डिफेंस भी। टाइकॉन्डो का कंपटीशन सेकंड डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है डोडा में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, ज़्यादा टाइकॉन्डो सीखने के लिए। बहुत अच्छी गेम है, इसके मुताबिक ये कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी तरीके से बहुत चीफ आए हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे सर बहुत हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम बहुत मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत हमें सीखने को भी मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है, लोग देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है इन चीज़ों के लिए, मना किया जाता है, बहुत लड़कियों को किया जाता है, मगर मेरे हिसाब से लड़कियों को इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए लड़कों के मुताबिक, ज़्यादा लड़कियों को बोलना चाहिए करने के लिए ताकि वो भी अपना नाम रोशन कर सके, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके और खुद को ज़्यादा बढ़ा सके, अपने टैलेंट दिखा सकें लोगों को। जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो रहा है और यहाँ पर बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सी एकेडमीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, हमारी बहुत सारी फाइट्स अभी तक हो चुकी हैं, हमारी ड्रिल परफॉर्मेंस हुई थी जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हमने उसमें यानी एक किस्म का सेल्फ डिफेंस दिखाया था कि हर लड़की को अपना डिफेंस कैसे करना होता है। और अभी तक तो यहाँ फाइट्स ही चल रही हैं, देखते हैं हम आगे कौन सी पोजिशन पर लेगी कौन सी एकेडमी। हम बहुत इन्जॉय करते हैं, मैंने अब तक 2 स्टेट खेले हुए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट पहले भी खेला हुआ है, मैंने बहुत इन्जॉय करा है इस गेम में बहुत ज़्यादा, यानी एक बहुत ही अच्छी गेम है टाइकॉन्डो जो सीखने के लिए हर लड़की के लिए ज़रूरी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन हो ताकि हर कोई जान सके कि टाइकॉन्डो क्या है, टाइकॉन्डो किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ कौन सी चीज़ में ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है हर लड़की के लिए है। मुझे ये मेरी फ्रेंड्स ने बताया इस टाइकॉन्डो के बारे में, पहले मुझे नहीं पता था। और इस ये यहाँ पे जो हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट टाइकॉन्डो चैम्पियनशिप है जो सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज़ की जा रही है डोडा में, और बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अगर कभी कभी डर भी जाते हैं कि कुछ बेल्ट देख के कोई डरता है, कोई उसकी प्रैक्टिस देखकर डरता है, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस ठीक है तो हम डरते नहीं हैं उस हिसाब से। उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि लड़का और लड़की में फ़र्क ना करें और सबको ये गेम खेलनी चाहिए, लड़कियों के लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी इस गेम में आना चाहिए क्योंकि उनके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भारतीय सेना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर किश्तवाड़ के छात्रों में मशरूम फार्मिंग कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान नौजवानों ने बटन मशरूम की काश्त की, मार्केटिंग के बारे में भी बताया। इस पावन मौके पर लोगों ने फौज का धन्यवाद किया। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।